आपका स्वागत है दर एम शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो आई थिंक पिछले एपिसोड में हमने कहा कि एक कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता था जी गुरुओं की लाइन में जी बेसिकली ये उसी बिल्कुल का प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर बिल्कुल दिस इज डीपली हेल्ड बिलीफ ऑफ द सिक्स इसके बारे में थोड़ा बात कीजिए सर सो so, देखिए हमारे दस गुरु थे जी दस जामों में वो हमें नज़र आए दस फिज़िकल फॉर्म्स में जी लेकिन सिखिज्म की ये बहुत फंडामेंटल एक हर सिख को विश्वास है और बिलीव है कि जो जोत उनमें में थी वो एक ही थी और जोत एक गुरु से दूसरे गुरु तक ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसफ़र ऐसे हुई हमने पिछली बार इस कौतकी बात के बारे में डिस्कशन की थी कि जब गुरु नानक साहब के जाने का टाइम आया तो उन्होंने अपने सबसे जो उनका हम्बल उनका चेला था भाई लेना उसके आगे जाके माथा टेक दिया और सारे हैरान हो गए कि ये क्या हो गया गुरु चेले को माथा टेक रहा है तो उस टाइम पे जो गुरु था वो एक इंसान के बजाय एक इंस्टीट्यूशन बन गया क्योंकि यही बात बार बार हुई और जब सक्सेशन होता था तब कुछ रस्में होती थी एक रस्म यह होती थी कि तब तक की जो भी बाणी लिखी हुई थी जैसे गुरु नानक साहब ने अपनी जो बाणी लिखी थी और जो पीरों की बाणी उन्होंने संग्रह करके अपने पास रखी थी वो पहले गुरु ने दूसरे गुरु को दी दूसरे गुरु ने अपनी बाणी ऐड की उन्होंने तीसरे गुरु को दी तीसरे गुरु से चौथे को मिली तो ऐसे ही बाी भी बढ़ती गई और ट्रांसफ़र होती गई और फाइनली गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हो गई इसी तरह ये हमारा विश्वास है कि जोत सब गुरु साहिबान में एक है तो जब अपने डेथ बेड पे गुरु हरकिशन ने बकाले की तरफ उन्होंने इशारा दिया तो उन्होंने बताया कि जो बकाले में गुरु हैं जोत अब उनमें है पर गुरुपद के साथ एक पॉलिटिकल पावर भी एसोसिएटेड था इसलिए इतने सारे पावर गेम्स चल रहे थे गुरुपद के वो तो पावर ही नहीं पैसा क्योंकि देखो गुरु नानक साहब जहाँ पे भी गए जी इतना वो घूमे हर जगह पे सिख कॉन्ग्रिकेशन बन गई और सिख आते थे गुरु के पास अपनी अपनी जो उनकी समर्था थी उसके हिसाब से वो चढ़ावा लेके आते थे तो गुरु साहब का तो ये अप्रोच होती थी कि जो भी चढ़ावा आया है वो पंथ का है और इसको लंगर में इसका, इसका इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन जो ये प्रिटेंडर्स थे जो नकली गुरु थे इनको तो इंसेंटिव था कि हाँ हमें ताकत भी मिलेगी हमें शोहरत भी मिलेगी हमें बहुत सारी पदार्थ भी मिलेगी सो so ये इंसेंटिव था उनको डेफिनेटली पर जोत खुद की प्रोटेक्शन को प्लान करता बिल्कुल बिल्कुल एक और सवाल पूछना प्लीज़ इस जोत और कॉन्शियसनेस के ट्रांसफ़र के बारे में जो हमने अभी बात करी आ, किसी भी इंसान के शरीर में जब वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हुआ आई एम श्योर कि उनके लाइफ टाइम के दौरान भी चेंजेस हुए होंगे उनके ख़ुद के पर्सनैलिटी में उस कॉन्शियसनेस की वजह से इसके बारे में कभी सोचा आपने कि ये कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि देखिए एक सिख होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि जब अगले गुरु की चोन होती थी वो यही उसका आधार था कि अगला अगले गुरु के अंदर क्या है तो शायद उस ज्योत को रिसीव करने के लिए वो पहले ही मुकम्मल थे एकदम कुछ कह नहीं सकते देखो ये बड़ी मिस्टिकल बातें हैं लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेटाफिजिकल मिस्ट्रीज़ हैं और हम हमेशा खोजी होते हैं हम उनके जवाब ढूंढते हैं कई चीज़ों के जवाब नहीं मिलते एलिमेंट है सीखी में बिल्कुल है इसकी कम बातें क्यों होती है इसकी मिस्टिसिज्म जो सिक्खी में है वो उसके साथ एंगेजमेंट होती है गुरबानी के गुरबानी के थ्रू और क्योंकि ज़्यादा बात हमेशा हिस्ट्री की होती है और चीज़ों की होती है ये एलिमेंट एक साइड पर रह जाता है लेकिन मैं आपको बस इतना ही ये आपका आपके सवाल का जवाब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से दे सकता हूँ हमारी कुछ बाणियाँ हैं जो हमें कहा जाता है कि तुमको रोज़ पढ़नी चाहिए उचारनी चाहिए मैं सिर्फ़ एक बाणी की बात करता हूँ ये है गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा हुआ जाप साहब हर बार नहीं होता है मैं सौ बार जाप साहब पढ़ता हूँ कई बार ऐसे टाइम आते हैं किसी वजह से ऐसा तुम्हारा एक्सपीरियंस बन जाता है दैट यू आर ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे कह नहीं सकते जी गुरबानी गा के भी सिमिलर एक्सपीरियंस होता है सो so, जो मिस्टिसिज्म का जो एलिमेंट है ये एक्सेस होता है दिस इज़ जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन मैंने किसी की किताब में नहीं पढ़ा है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरे लिए या तो गुरबानी संगीत से या फिर गुरबानी की बानी जब तुम किसी एक पर्टिकुलर इसको हम यू नो कॉमन टर्म कहें पर्टिकुलर जोन में जब तुम पहुंच जाते हो ये जोन भी बख्शिश ही होती है क्योंकि चा भी नहीं है कोई आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं पाठ करूंगा तो मैं जोन में पहुंच जाऊंगा जी अपने आप हाँ ही होता है जोन जोन डिसाइड है। आ, वो जोन डिसाइड करता करता है है हमारे हाथ में कुछ नहीं है hmm. uh, थोड़ा और जूम आउट करके एक कॉन्वर्जेशन प्लीज है मुझे प्लीज हर कोई इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे और जब हम कि, किसी भी धर्म के बारे में बात कर एक्चुअली ये एक इंसानियत की कहानी है राइट मतलब एक ह्यूमन स्टोरी है बिल्कुल बिल्कुल तो मैं थोड़े से मेटाफिज़िकल प्लेन में जाकर सोच के ये कह रहा हूँ कि जिस जोत की बात हम कर रहे आ, जिसने डिसाइड किया कि टेन गुरुज़ की एक लाइन होगी टेन गुरुज़ की एक कहानी होगी उस ज्योत की मेन इंटेंशन क्या थी शायद मैं गुरु नानक देव जी से पहले के फेज़ के बारे में भी पूछ रहा हूँ कि तब दुनिया कैसी थी इस जोत की ज़रूरत क्यों थी दुनिया को इंसानियत को इसके बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में बात की थी और मैं दोहराता हूँ थोड़ा सा जी देखिए ये एक प्रोग्रेशन था गुरु नानक साहब से गुरु गोबिंद गो सिंह तक जी और बड़ा एक कॉन्शियस एफर्ट हो रहा था जैसे इमारत तैयार की जाती है ना ईंट पे ईट रख के गुरु साहिबान के पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशंस बनती रहीं ऐड होती रहीं और जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं सस्पेंस नहीं खोलूँगा अभी बाद में बात करेंगे उस टाइम पे जो गुरु नानक साहब का मिशन था एक तरीके से वो मुकम्मल हो गया था मुकम्मल ऐसे हो गया था कि एक पंथ बन गया था उस पंथ का एक ग्रंथ था जिसमें सिर्फ सिख गुरु साहिबान का ज्ञान नहीं था उसमें हिंदू भक्तों का भी ज्ञान था मुस्लिम पीरों का भी ज्ञान था तो एक पंथ तैयार हो गया था एक ग्रंथ तैयार हो गया था एक मर्यादा तैयार हो गई थी जिसमें जो पंथ के फॉलोअर्स थे उनको बताया जाता था कि आपने कैसा जीवन जीना है सो मकसद उनका यही था कि इंसान की हालत सुधरे गुरु नानक साहब गुरु नानक साहब बड़े एक प्रैक्टिकल फ़िलासफ़र थे क्योंकि मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी देखिए जात भेद की बात सबसे पहले गुरु नानक साहब ने नहीं की जात भेद की बात कबीर ने भी की जात भेद की बात नामदेव ने भी की और बहुत स्पष्टी से और बहुत ज़ोर से की लेकिन एक गुरु नानक साहब ही थे जिन्होंने लंगर की इंस्टीट्यूशन बनाई जो प्रैक्टिकली इस जात भेद को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही थी तबाह करने की कोशिश कर रही hmm. थी सो so ये फ़र्क था सो so, यू you नो know, गुरु नानक साहब ने अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाई गुरु और गुरु साहिबान ने अपनी ऐड की गुरु अर्जन साहब ने श्री हरिमंदर साहब बनाया उन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाई शहादत की कि देखो जब जुल्म एक हद तक पहुंच जाता है तो उसका सामना करते तुम्हें अगर शहीद भी होना पड़े तो हो जाओ सो ये सब चीज़ें जब मिली तब जाके ये पंथ मुकम्मल हुआ गुरु गोबिंद सिंह जी के समय पर पर इसी सवाल के बारे में मैंने बहुत सालों से सोचा है कि एक्चुअली इंसानों की कहानी में सिखों का क्या यो, योगदान नहीं बट उनकी फॉर्मेशन की क्या वजह रही है? हाँ हाँ आ, आ, इसका मैं ज़्यादा मिस्टिकल यू नो जगह पे जाके नहीं मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दूंगा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरा सवाल समझ मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ uh, मेरे लिए एज अ प्रैक्टिसिंग सिख अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ज करने वाला हूँ मैं अपनी कहानी थोड़ी सी बताता हूँ आपको मैं जब इंडिया से गया था तो मेरे सिर पे पगड़ी थी और यू you नो know, मेरी शक्ल सूरत सिखों वाली थी लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं था सिक्की के साथ कैसे ये बहुत लंबी कहानी है ये किसी <laughs> और टाइम बात करेंगे लेकिन एक जो चीज़ जिसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया वो ये थी जो एटीन सेंचुरी थी खास करके गुरु गोविंद सिंह जी के बाने जाने के बाद जैसे सिखों ने अपना अपनी लाइफ बनाई और जो जो कुछ सिखों ने किया उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा इस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मेरा अपना सफ़र सिक्खी में तब उस वजह से शुरू हुआ कैटलिस्ट वही था कि इतिहास पढ़ के समझना कि उस टाइम पे क्या हो रहा था और बड़े ब्रीफ़ में ब्रिंगिंग इट बैक टू योर क्वेश्चन जो गुरु नानक साहब ने फ़िलासफ़ी दी और गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह की फ़िलासफ़ी में कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है इंस्टीट्यूशन और बने फ़िलासफ़ी वही है गुरु नानक साहब जब सैदपुर पहुँचे और उन्होंने देखा कि बाबर ने एक बड़ा कत्ले आम रचाया था वहाँ पे तो उनके अंदर से एक चीख निकली और ये जो चीख थी ये एक कंपैशन की चीख थी गुस्सा भी था कि ये क्या हो रहा है लेकिन उसमें बहुत दर्द था जो लोग जो पीड़ित थे उनके लिए दर्द था सो मेरे हिसाब से जो सिख धर्म की बुनियाद है ना वो ये दर्द ही है और अगर आप पूछें कि सिखिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है लेकिन मेरे लिए मैं बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आपका जवाब दे रहा हूँ कि जो सिख इतिहास गवाह है कि जब भी कमज़ोरों पे वार हुआ है तो सिख हमेशा कमज़ोरों के साथ खड़े हैं इसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं जुल्म करने वाला मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो कुछ फर्क नहीं पड़ता बात यह कि जुल्म कौन कर रहा है और दर्द किसको हो रहा है हर एक टाइम पे सिखों ने उसका साथ दिया जिसपे अत्याचार हो रहा था यह जादू से तो नहीं हुआ इसमें है मेरा जवाब आपके लिए कि जो पंथ बना है वो इस पर्पस के लिए बना है कि दुनिया में जो भी तुमको ठीक नहीं नजर आता है उसके बारे में कुछ करो तो इस हिसाब से ये बहुत एक प्रैक्टिकल फेथ है इंस्टीट्यूशंस यू नो की वजह से और इस सिद्धांत की वजह से अब अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ऐसा होता है हमेशा नहीं होता है क्योंकि सिख भी तो इंसान है जब किसी पे जुल्म हो रहा होता है तो यू you नो know, हम कई बार दूसरी तरफ मुंह कर लेते हमने क्या लेना हम अपना नुकसान क्यों कराए आई एम श्योर आई नो सिखों ने भी ऐसा किया है लेकिन जो एक आपकी एक कौमी पहचान है अगर उस वो टर्म यूज़ करें वो सिखों की पहचान ही ये है कि जब कोई और तकलीफ में होता है तो सिख दौड़ के आते हैं यही है गुरु नानक साहब का कमाल <laughs> क्योंकि अगर आप ने भारत में वक्त बिताया आप ये एक्सपीरियंस करते हो बीस तीस साल बताओ बताए हुए हमेशा हर भारतीय ने नोटिस किया होगा आई फील जिनकी इंट्रैक्शन सिखों के साथ रही है कि मदद हो गई है सिखों की वजह से आई होप कि ये जो आ, ये इंटेंशन ये इमेज हर भारतीय तक तो पहुँचे क्यों नहीं पहुँचना चाहिए क्योंकि देखो जो गुरु नानक साहब की फ़िलासफ़ी है वो सिखों के लिए थोड़ी है वो तो दुनिया के लिए है ये अलग बात है कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड में हर रिलीजन में यू नो एक किस्म की आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लेकिन जो सिद्धांत है ये तो सबका सिद्धांत है कौन इसके साथ लड़ सकता है इस सिद्धांत से भी किसी को तकलीफ़ है तो मदद करो जाके ये तो ह्यूमन अपना बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है आपने एग्जैक्टली exactly आंसर कर दिया कि जो मैं पूछ रहा था शायद मैंने क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं नहीं, नहीं बर... बहुत अच्छी तरह फ्रेम किया आपने एग्जैक्टली exactly यही पूछ रहा था मैं और ये भी कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला एक ही होता है सबका कोई शक नहीं और उस ऊपर वाले की इंटेंशन होती है धरती के लिए कि अच्छाई कितनी रहनी चाहिए धरती पर अगर बुराई बढ़ रही है तो उसे रुकाए कैसे बिल्कुल उसी बुराई को रुकाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग उस जोत की फॉर्मेशन हुई दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ